नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 26 नवंबर 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु वृषभ राशि में, शुक्र और बुध तुला राशि में, वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु, मकर राशि में बृहस्पति और शनि, चंद्रमा और मंगल मीन राशि में विराजमान है। ग्रहों की स्थिति अभी वैसी ही बनी हुई है जो पहले चल रही थी, वैसी ही स्थिति है जो कल की थी, मतलब सामान्य से खराब है। कुछ युग्म अच्छे बने हैं लेकिन बृहस्पति और शनि का कम्बिनेशन ये जनमानस के लिए अति खराब दिख रहा है। सूर्य और केतु का भी कम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, थोड़ा सा पहले से सुधार जरूर है। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि की स्थिति ठीक कही जाएगी, बस आपको थोड़ा सा इस समय मन जो थोड़ा परेशान है उस पर ध्यान दीजिए, खर्च की अधिकता से थोड़ी परेशानी रहेगी। बच्चों की सेहत और प्रेम की स्थिति अच्छी नहीं है, बाकी व्यवसाय आपका सही चल रहा है। पीली वस्तु पास रखिए। वृषभ राशि, मन संकुल रहेगा, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आर्थिक मामले सुधरेंगे, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम की स्थिति भी अच्छी है, सूर्य को जल दें। मिथुन राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति आपकी होती जा रही है। पीली वस्तु का दान करें। कर्क राशि, थोड़ी सी परेशानी का समय है, चोट चपेट लग सकता है, किसी नुकसान में आ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल दिख रही है, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम की स्थिति अच्छी, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं, लाल वस्तु पास रखें। सिंह राशि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कोई भी नया निर्णय ना लें, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, प्रेम में उलझ सकते हैं, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से करीब करीब आप ठीक है, सूर्य को जल दें। कन्या राशि का जीवन साथी की तरफ से कुछ खुशहाल समाचार, शादी ब्याह का तय होना, स्वास्थ्य ठीक है, प्रेम की स्थिति अच्छी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सही चल रहे हैं, शनिदेव को प्रणाम करते रहें। तुला राशि, विरोधियों पर भारी पड़ेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रेम व्यापार सब बहुत बढ़िया चल रहा है। वृश्चिक राशि, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, प्रेम में ना उलझें, तूतू में से बचें, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ करें। धनुराशि, गृह कलह के संकेत हैं, मां के स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम की स्थिति ठीक ठाक कही जाएगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही चल रहा है, पीली वस्तु पास रखें। मकर राशि, घोर पराक्रमी बने रहेंगे, व्यवसायिक कुछ नए आयाम बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम अच्छा, व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति दिनानुदिन, नीली वस्तु का दान करें। कुंभ राशि, कड़क भाषा के प्रयोग से बचें, जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे ना लगाएं, कुटुंबों से ना उलझें, स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से जोखिम ना लें, लाल वस्तु का दान करें। मीन राशि, ओजस्वी तेजस्वी बने रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा है, बट थोड़ा सा सावधानी बरतें, प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ करें। नमस्कार।